दोस्तों, गुजरात की एक शादी में नोटों की बारिश काफी चर्चा में है। गुजरात के मेहसाणा जिले के अगोला गांव का है ये वीडियो, जिसमें घरों की छतों से नोट बरसाए जा रहे हैं। पूर्व सरपंच करीम भाई के भतीजे रज्जाक की शादी थी। रज्जाक के रिश्तेदार घरों की छतों पर चढ़ गए और छतों से नोटों की बारिश करने लगे। 10 से लेकर 500 तक के नोट बरसाए गए। छतों से पैसे बरसाए जा रहे थे, पब्लिक नीचे खड़े होकर उन्हें लपक रही थी। अब दोस्तों, इस वीडियो को लेकर एक बार फिर बहस शुरू है कि क्या शादी में इस तरह का दिखावा करना सही है। जब भी इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो दो तरह के पक्ष सुनने को मिलते हैं। एक पक्ष कहता है कि भारत इतना गरीब देश है जहां लोगों के पास दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, बेटियों की शादी करने के लिए कई लोगों को कर्ज लेना पड़ता है और उसी देश में शादी में ऐसे अमीरी का दिखावा किया जाता है, इससे अच्छा होता किसी गरीब का भला कर दिया जाता। दूसरा पक्ष कहता है कि अगलों की शादी, अगलों के पैसे, चाहे जैसे मर्जी उड़ाएं। शादी में सबके अपने चाव होते हैं, हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च करता है, रिश्तेदारों के चाव पूरे करने में आखिरकार बुराई क्या है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या हैसियत के हिसाब से शादी करने के चक्कर में, चाव करने के चक्कर में गरीबी की नुमाइश करनी चाहिए। अब इस वीडियो को देखिए, छतों से पैसे उड़ाए जा रहे हैं तो जो पब्लिक लपक रही है, क्या ये उसका अपमान नहीं है? शादियों में जब इस तरह के सीन सामने आते हैं, जब नोट उड़ाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई शादियों में बच्चे लपकने दौड़ते हैं और बच्चों के हाथ किसी के पैर के नीचे तक आ जाते हैं, तो क्या ये उन गरीब बच्चों का अपमान नहीं है? और कई बार तो बच्चों को पता नहीं होता, कई बार तो मिडिल क्लास के बच्चे भी ऐसी हरकत कर देते हैं, तो बच्चों को पता नहीं होता, उन्हें ये होता है कि पैसे मिल जाएंगे तो कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा, या बच्चों को इतनी समझ नहीं होती। और कई बार तो बड़े भी लपकते हैं, लेकिन क्या ये उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना नहीं है? खुद को अमीर साबित करना और दूसरे की गरीबी की नुमाइश करना नहीं है? और इस विचार में आखिरकार क्या बुराई? अगर आपको पैसे उड़ाने ही हैं तो किसी को ससम्मान भी दिए जा सकते हैं, किसी गरीब का भला किया जा सकता है, गरीब बेटियों की शादी की जा सकती है, तो क्या ऐसे पैसे उड़ाना किसी दूसरी कम्युनिटी का अपमान नहीं है, उस पब्लिक का अपमान नहीं है जो इन पैसों को लपकती है? और क्या शादियों में इस तरह का दिखावा करना चाहिए, और ऐसा दिखावा करने के आखिरकार फायदे क्या है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या शादियों में इस तरह के चाव करने चाहिए और कैसे ऐसे नोट क्या बरसाने चाहिए जिन्हें लपकने के लिए किसी के हाथ किसी के पैर के नीचे तक आ जाते हैं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रिपब्लिक मीटर। नमस्कार।